नीति शास्त्र क्या है ये ज़रूर पता होना चाहिए। तो आप ये बता दिए कि नीति शास्त्र एक विषय के रूप में एक आदर्श मूलक विज्ञान है, यह एक ऐसे विषय वस्तु है, ऐसा विषय है जो कि समाज में सही गलत के निर्धारण के संदर्भ में, शुभ अशुभ के निर्धारण के संदर्भ में मापदंडों का निर्धारण करता है। यह ऐसे सिद्धांतों को, मानकों को या आदर्शों को क्रिएट करने की कोशिश करता है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के कार्यों को सही या गलत ठहराया जा सके। दूसरी भाषा में अगर मैं बात कहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि वह अध्ययन शाखा, वह विषय जो कि मानव के लिए सही गलत का निर्धारण करने वाले आदर्श या मानकों को प्रस्तुत करता है, नीति शास्त्र कहलाता है। वस्तुतः यह जो है वह दर्शन शास्त्र का जो तीसरा भाग है, जिसको हम कह सकते हैं दर्शन शास्त्र को पढ़ने के जो तीन तरीके, पहला है ज्ञान मीमांसी, दूसरा है तत्व मीमांसी, और जो तीसरा है वो है नीति मीमांसी। जो तीसरा नीति मीमांसी आयाम है उसी को आप नीति शास्त्र के दायरे में रख सकते हैं, उसी को आप नीति शास्त्र के दायरे में रख सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो नीति शास्त्र आपके लिए क्या है, एक विषय, एक स्ट्रीम है जो कि सही गलत का मापदंडों का, ये सही गलत ये शुभ अशुभ उचित अनुचित के मापदंडों का निर्धारण या आदर्शों का निर्धारण करता हुआ नजर आता है, जिसके आधार पर कार्यों का मूल्यांकन किया जा सके। तो नीति शास्त्र को आप इस तरह समझ सकते हैं।